प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं ऋषिका, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार का सियासी तापमान अभी गर्म है। भाजपा के अलावा चार महत्वपूर्ण दलों की बैठक अगले दो दिनों में होने वाली है। जदयू, राजद, कांग्रेस और हम पार्टी बैठक करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर कयासों का दौर अभी भी जारी है। बिहार की सियासत में आज यानी सोमवार और मंगलवार का दिन बेहद अहम है। प्रदेश की चार प्रमुख दलें अगले कुछ दिनों के अंदर पार्टी की बैठकें करने जा रही हैं। एक तरफ जहां जदयू के अंदर अंतकलह के बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के ऊपर पार्टी ने प्रहार किया और आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं इसी बीच जदयू ने मंगलवार को पार्टी की अहम बैठक सीएम आवास में बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद विधायक हिस्सा लेंगे। इस बैठक के मायने क्या हैं? ये राज बना हुआ है। हालांकि इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि पार्टी की ओर से नहीं की गई है। वहीं राजद ने भी अपने विधायक और एमएलसी को जुटाना शुरू कर दिया है। आरजेडी इन नेताओं के साथ अहम बैठक भी कर सकती है। पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी चर्चे में है कि राजद ने अभी अपने सभी विधायकों को निर्देशित किया है कि वो किसी भी हाल में 12 अगस्त तक पटना नहीं छोड़े। बताते चलें कि 12 अगस्त के बाद खरमास का प्रवेश हो जाएगा। उधर जदयू और राजद ने बैठक बुलाई तो कयासों के बीच सियासी पंडितों के भी सिर इस बात को समझने में चकराए हुए लग रहे हैं कि आखिर प्रदेश की सियासत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। जदयू और राजद के अलावे कांग्रेस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी ने भी अपने दल की बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस भी अपनी पार्टी की बैठक करेगी। पार्टी के नेता बताते हैं कि बैठक में बिहार की सियासत के वर्तमान हालात पर ही चर्चा होगी। वहीं पार्टी की ओर से निर्धारित पदयात्रा की भी समीक्षा हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने जदयू से संपर्क किया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी बैठक बुलाई है। वहीं सियासी दलों की इन बैठकों के बीच एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर सियासी खेल के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, वहीं जदयू और भाजपा के नेता ऐसे किसी भी कयासों को खारिज कर रहे हैं। गठबंधन की मजबूती को लेकर दोनों दलों के नेता दावा करते आए हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।